प्रदेश का जिला प्रयागराज, जो कल तक इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन राज्य सरकार के एक फैसले से इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, जो 444 साल पहले ही इस नाम से जाना जाता था। लेकिन कई लोगों में एक सवाल आ रहा होगा कि जिला का नाम बदलने से क्या इसका असर उनके दस्तावेज पर पड़ेगा। तो बता दें कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट समेत अन्य किसी भी दस्तावेजों में नाम बदलवाने की जरूरत नहीं है। सभी तरह के दस्तावेज वैसे ही मान्य होंगे जो जैसे पहले थे, लेकिन अब जिसके सारे काम काज नए सिरे से शुरू होंगे, उसके दस्तावेज पर इलाहाबाद के बदले प्रयागराज नाम दर्ज हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपी के मंडलायुक्त डॉक्टर आशीष कुमार गोयल का स्पष्ट तौर पर कहना है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दस्तावेज बदलवाने से लोगों को घंटों कतार में खड़ा होना पड़ेगा, जिससे उनको काफी परेशानी होगी। बताते चले कि प्रयागराज नाम इलाहाबाद का आज से करीब 444 साल पहले था, क्योंकि यहाँ पर संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती का यहाँ पर संगम हुआ करता है और बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जिसके चलते इसका नाम प्रयाग रखा गया था। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।